नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बंगबंधु यानी कि बांग्लादेश के दोस्त, क्या वही सबसे ज्यादा खतरे में है जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई, जो पहले भारत के हुए फिर पाकिस्तान के बनने को मजबूर हुए और फिर बांग्लादेश के नागरिक बन गए? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान जो हिंदू भाई पाकिस्तान में रह गए और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ वो बांग्लादेश के हो गए। वो हिंदू ना पाकिस्तान में खुश रहे ना ही बांग्लादेश में, और कहने को मजबूर होना पड़ा कि बंगबंधु खतरे में हिंदू, क्योंकि बांग्लादेश में जो अराजकता इस वक्त है उसका शिकार सबसे ज्यादा वहां के हिंदू भाई हो रहे हैं। मकानों को आग लगाई जा रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, भगवान की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, महिलाओं से बदसलूकी की जा रही है और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू पहली बार शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान की राह पर चल चुका बांग्लादेश हिंदुओं का हाल पाकिस्तान के जैसा ही कर रहा है। लेकिन क्या इसके पीछे चाइना है? क्या इसके पीछे चीन की मनहूसियत है? क्या ड्रैगन की साजिश में हिंदुओं को मारा जा रहा है? आज हम आपको एक ऐसा सच बताने वाले हैं जो पूरे भारत के लिए खतरा है, और मानकर चली कि खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि बंगबंधु में ही खतरे में हिंदू नहीं है बल्कि भारत में भी है और बाकी देशों के अंदर भी है। ये हम आपको आज समझाने वाले हैं। अपना समय क्या सुन देखे बाबू ने बाल पढ़ाई जिन आवाजों को आप सुन रहे थे वो बांग्लादेश में हमारी उन बहनों की आवाज है जो बेबसी से भरी हुई है, जो अत्याचार की दर्द भरी कहानी को बता रही है। उन्हीं की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं। कुछ बहनों ने किसी तरीके से वहां से वीडियो जारी किया, भाषा बांग्ला है, लेकिन मैं यकीन से कह पा रहा हूं कि आप उनके दर्द को समझ पाएंगे। जरा सुनिए। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে, এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাই চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল। जहां तक आप इसको समझ पा रहे हैं, ना घर बचा है ना भाई बचे हैं, और वो सिर्फ गुहार लगा रहे हैं कि बस किसी तरीके से उनको बचा लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू वहां शिकार हुए और जो गरीब थे, जो बेबस रह गए, सिर्फ वही शिकार हुए। एक और वीडियो ट्विटर पर तेजी से वायरल हुआ। यह वीडियो बताया गया बांग्लादेशी हिंदू क्रिकेटर लिटन दास का, जिसने ना जाने कितने बांग्लादेश को मैच जिताए हैं और बांग्लादेश का झंडा ऊंचा किया है। उसके घर को किस तरीके से फूंका गया और उसके परिवारों की आवाज कैसे सुनाई दे रही है, इसको भी जरा सुनिए। अब समझ पा रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदू क्रिकेटर लिटन दास के घर को आग लगा दी गई। उनके परिवार को बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के आतंकियों ने पीटा और पूरे परिवार को उत्पीड़न किया। हालांकि दूसरी तरफ जो वहां के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये लिटन दास का घर नहीं है। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुर्तजा का घर है। अब घर किसी का भी हो, क्या दर्द से भरी आवाजें जो बेबसी से भरी है, खौफ से भरी है, यात्राओं से भरी है, क्या वो झूठी हैं? बिल्कुल झूठी नहीं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरें कल रात की हैं। बांग्लादेश में किस तरीके से
हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है उससे इतर जो मंदिर हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। एक मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वैसे तो हमारे पास अनगिनत मंदिरों की तस्वीरें हैं, लेकिन हम आपकी भावनाओं को सीधे तौर पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए हम सिर्फ एक मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये बांग्लादेश का इस्कॉन मंदिर है। देखिए कैसे मंदिर को तबाह तो कर दिया गया, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, इस मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया और कहा जा रहा है कि ऐसे ना जाने कितने मंदिर हैं जिनको बीते 48 घंटों के अंदर खत्म कर दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है, मंदिरों के अंदर की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। और ऐसे ना जाने हमारे कितने हिंदू भाई हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई है और इसका कोई आंकड़ा नहीं है। जांच होगी, कोई रिपोर्ट बनेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन वहां के अखबार भी बता रहे हैं, हम आपको दो अखबारों के बारे में बताते हैं जिन्होंने साफ साफ लिखा है 21 दिन में 440 हिंदुओं की हत्याएं की गई हैं। 21 दिन में, जरा देखिए, समझिए जरा। स्थानीय मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी और विभिन्न अन्य स्थानों पर हिंदू मंदिरों पर हमले, हिंसा और व्यापक लूटपाट के कारण 119 लोग मारे गए, जबकि बांग्ला के दैनिक समाचार पत्र प्रथम ओलो के मुताबिक सोमवार को ढाका सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हुई झड़प में कम से कम 109 लोग मारे गए। 16 जुलाई से कल तक 21 दिन में हिंसा में जान गंवाने वालों की कुल संख्या 440 पहुंच गई है। लेकिन यह दर्द से भरी दासा और जो हिंदू कभी हिंदुस्तान के थे वो बंटवारे की आग में पाकिस्तान के हो गए और पाकिस्तान के बंटवारे की आग में वो बांग्लादेश के हो गए। ना उन्हें पाकिस्तान ने स्वीकारा, ना उन्हें बांग्लादेश ने स्वीकारा और हालात ये हो गए कि वो लगातार वहां से गायब होने लगे। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गायब होने लगे। कहां गायब हो गए, कैसे गायब हो गए, एक आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए इस पूरे आंकड़े को जरा समझिए। 1951 के अंदर जो बांग्लादेश का जो हिस्सा है जो पाकिस्तान का था उसमें 4.04 करोड़ जो थे वो मुसलमान थे और 22.05 हिंदू थे, लेकिन 1961 में 5.04 करोड़ मुस्लिम भाई रहे जबकि 18.05 करोड़ हिंदू भाई रहे। 1974 में यानी कि बंटवारे के बाद, बांग्लादेश के बंटवारे के बाद 7.14 करोड़ मुस्लिम रहे जबकि उसके अंदर जो कुल आबादी में जो हिंदू रहे वो 13 करोड़ के आसपास। अब देखिए किस तरीके से कम होता गया, 8.72 करोड़ मुसलमान, 12.13 करोड़ हिंदू। उसके बाद यहां आकर 1991 में लगभग दोनों बराबर हो गए, 10.63 करोड़ मुसलमान, 10.51 करोड़ हिंदू। उसके बाद मुस्लिम संख्या बढ़ती चली गई, 12.23 करोड़ मुस्लिम जबकि 9.60 करोड़ हिंदू। और 2011 का आंकड़ा उसमें जरा देखिए लगभग 15 करोड़ के आसपास मुस्लिम जबकि 8.52 करोड़ के आसपास हिंदू। और जो 2021 का आंकड़ा है उस आंकड़े में मुस्लिम वहां 17 करोड़ के आसपास और हिंदू महज 3.2 करोड़ रह गए। अब जरा कोई यह बताए कि जो बंटवारे के दौरान 1974 में 13 करोड़ के आसपास से वो 3 करोड़ तक कैसे पहुंच गए, और कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि 10 लाख हिंदू गायब हो, तो बाकी कहां गए, और आज भी वो कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं बांग्लादेश को छोड़कर। दरअसल सच्चाई यही है कि बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश के हिंदुओं के बुरे दिन उसी दिन से शुरू हो चुके थे और उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो कहीं नहीं जा सकते थे। इसको जरा समझिए कि बांग्लादेश की आजादी के साथ भेदभाव और सांप्रदायिक हिंसा के कारण वो वहां दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रहने लगे, यही उनकी पहचान थी। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से हिंदुओं को सबसे ज्यादा पीड़ा भुगतनी पड़ी, इसी दौरान बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया गया, बड़ी तादाद में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया गया और इस वजह से बड़ी संख्या में हिंदू सीमा पार कर भारत में आसरा लेने को मजबूर हुए। हिंदुओं ने संपत्ति अधिनियम जैसे कानूनों की वजह से अपनी पूरी भूमि और संपत्ति वहां खो दी। अब जरा सोचिए, बांग्लादेश की सरकार ने करीब 26 लाख एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली और यह हिंदुओं की थी। इस कानून से बांग्लादेश का करीब करीब हर हिंदू परिवार प्रभावित हुआ।
एक बार जब सरकार जमीन अपने कब्जे में ले लेती तब राजनीतिक लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उस जमीन को खुद हथिया लेते और इस शोषण की वजह से हिंदुओं का लगातार बांग्लादेश से पलायन होता रहा। सांप्रदायिक हिंसा और धमकी का कारण लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगले 3 दशकों में यानी कि अगले 30 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं का नामोनिशान मिट जाएगा। हालांकि मैं मानकर चल रहा हूं उससे पहले घटना घट सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में महज 2% हिंदू रह गए। आप सोचिए, एक सरकार जो वहां साजिशन हिंदुओं की जमीन को हड़पती है, धर्मांतरण वहां होता है, यातनाएं होती हैं, आदमी क्या करेगा? परिवार को बचाने के लिए पलायन करेगा और पलायन के लिए उसके पास सिर्फ एक विकल्प है, हिंदुस्तान। तो क्या हिंदुस्तान में खतरे की घंटी बज रही है? आपको एक और आंकड़ा देते हैं कि एक दशक में हिंदुओं पर कितने हमले हुए हैं, और यह आंकड़ा उनकी सरकार का है। मैं मानकर चल रहा हूं इसमें 5 से 10 गुना ज्यादा की होगी, जो असली हकीकत जमीनी हकीकत होगी, क्योंकि एक दशक में हिंदुओं पर जो अत्याचार 2012 से 2021 तक बांग्लादेश में हुआ, वो हमले हुए हैं 3,679 हमले। इस दौरान 1678 मामले धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ के सामने आए, जिसमें हमने सिर्फ एक घटना आपको बताई। ऐसी घटनाएं वहां 1678 घटी हैं बीते 10 साल में। हथियारों के दम पर मंदिरों को तोड़ा गया है और जिसने रोका उसको मार दिया गया। घरों मकानों में हिंदू समुदायों को निशाना बनाकर लगातार हमले किए गए। 2014 चुनाव में अवामी लीग की जीत के बाद तो मानो हिंसक घटनाओं की वहां बाढ़ आ गई। इसमें हिंदू समुदायों को चुनकर निशाना बनाया गया और इन हमलों में समुदाय के कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं। आप सोचिए 21 दिन में वहां के अखबार ये बता रहे हैं कि 440 लोगों की हत्याएं हुई हैं, तो इन 10 सालों में कितना नरसंहार हुआ होगा ये आंकड़ा आप खुद लगाइए, क्योंकि हकीकत इससे बहुत परे है। लेकिन बांग्लादेश छोड़ने को हिंदू मजबूर क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है और कितने छोड़ चुके हैं, इसको भी जरा समझिए। दरअसल 2000 से 2010 के बीच देश की आबादी में 10 लाख हिंदू गायब हो चुके हैं और यह उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इसके बाद सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। ऐसे में 2010 से 2024 तक कितनी हत्याएं हुई, कितनों का पलायन हुआ, कितने हिंदू गायब हो गए, इसकी जानकारी बांग्लादेश के पास नहीं है। अवामी लीग सरकार ने 2011 में प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता को फिर से शामिल किया गया था। उससे पहले वहां का धर्म इस्लाम था, सीधे तौर पर इस्लाम था। शेख हसीना के नेतृत्व में एक धर्म निरपेक्ष अवामी लीग सरकार बनी जरूर थी, लेकिन 2011 के बाद धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमलों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसमें सिख हैं, जिसमें बौद्ध हैं, जिसमें हिंदू हैं। बांग्लादेश में बिल्कुल पाकिस्तान की तर्ज पर अल्पसंख्यकों को यानी कि हिंदू, बौद्ध और सिख को शिकार बनाया गया। मकान लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, महिलाओं से बदसलूकी की गई और पुरुषों की हत्या कर दी गई। लेकिन क्या वाकई में भारत इसको रोक सकता था, या बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हुआ क्या उसके पीछे कोई और है? इसको समझने के लिए अब जिस अलार्म का जिक्र हम करें कि एक अलार्म बज रहा है, एक हुटर बज रहा है जिसको सुनने की जरूरत है, उसको सुनने के लिए आपको भारत का नक्शा समझने की जरूरत है। जरा अब देखिए कि भारत के दोस्त कितने और दुश्मन कितने, क्योंकि जिनको हम दोस्त समझ रहे हैं उनमें से भी कई दुश्मन बनने की तरफ चल निकले हैं। दुश्मन चीन, पाकिस्तान, मालदीव सीधे तौर पर, दोस्त श्रीलंका और बांग्लादेश। लेकिन स्थिति बदल गई, क्योंकि श्रीलंका में जो सरकार है वो चीन को सपोर्ट करती है और बांग्लादेश में जो स्थिति हो गई है वो पूरे तरीके से चीन के सपोर्ट में, यानी कि इन दो को भी आप बाहर कर दीजिए। अब आइए नीचे, गुट निरपेक्ष यानी कि ना वो चीन की तरफ ना भारत की तरफ, म्यांमार नेपाल, अब इसको भी समझिए। म्यांमार के अंदर इस वक्त जो सेना रूल कर रही है वो चीन को समर्थन देती है, और नेपाल के अंदर जो सत्ता इस वक्त है वो चीन के कर्ज के नीचे दबी और चीन के हिसाब से चल रही है। तो अब जरा सोचिए, इसमें सिर्फ भारत के दुश्मन ही नजर आएंगे, जो पड़ोसी हैं दोस्त आपको दिखाई नहीं देगा। और यही वो अलार्म है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। और अब जरा देखिए, जिस अलार्म का हम जिक्र कर रहे हैं वो भारत के नक्शे के साथ ही समझिए, क्योंकि भारत कैसे घिरा और कैसे घिर चुका है और इसका क्या वाकई में भारत के पास कोई समाधान है,
इसको इस नक्शे के साथ समझिए जो अब हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिन देशों को हमने आपको दिखाया उसमें अब सोचिए ये जो भारत का नक्शा है, जो भारत का तिरंगे से गर्व से भरा जो पूरा हिंदुस्तान है उसके चारों तरफ आपको अलार्म बजते हुए नजर आ रहे हैं, और ये अलार्म भारत के वो पड़ोसी देश जहां भारत के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा नजर आ, क्योंकि इसमें चाइना ने पाकिस्तान को लगभग आर्थिक तौर पर गुलाम बना लिया है, नेपाल आर्थिक तौर पर गुलामी की राह पर है, श्रीलंका आर्थिक तौर पर गुलाम हो चुका है, म्यांमार की स्थिति ऐसी ही है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नेपाल भी इसी दिशा में और बांग्लादेश भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ, यानी कि भारत के जितने पड़ोसी हैं उनमें से ज्यादातर चीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और यही दरअसल भारत के लिए वो अलार्म जो इस वक्त बज रहा है और उसको देखने की और महसूस करने की जरूरत है। लेकिन अब एक एक करके आपको बताते हैं कैसे चीन ने एक एक करके भारत के पड़ोसी देशों को नियंत्रित किया। शुरुआत बांग्लादेश के साथ ही कर लेते हैं, जरा समझिए इसको, क्योंकि बांग्लादेश में सेना समर्थित सरकार चीन की बनी तो चीन से नजदीकियां बढ़ेंगी और हिंदुओं पर हमले और ज्यादा बढ़ेंगे। बांग्लादेश में 92% मुस्लिम है जबकि लगभग 8% हिंदू है, लेकिन यह आंकड़ा 2011 का है। 1971 में बांग्लादेश के गठन के समय यहां 18% हिंदू थे जो अब ना के बराबर बचे हैं, लेकिन वो आंकड़ा 1.3 करोड़ के आसपास, और वो भारत आना चाहते हैं, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा भारत आएंगे तो भारत में इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी एक अलार्म है। दूसरा देश पाकिस्तान, मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारों पर भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है। चीन पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता है जो कि आतंकवादियों और घुसपैठियों को सौंप दिए जाते हैं, और इसका काम हिंदुस्तान को अस्थिर करना है, और पाकिस्तान वैसे भी आर्थिक तौर पर चीन का गुलाम हो चुका है। चीन की बात करते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के लिए कूटनीतिक, सामरिक और व्यापारिक मुश्किलें पैदा कर रहा है। आर्थिक रूप से भारत की तेज बढ़त को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध कर रहा है, और इसके अलावा हमारी सेना के सामने भी एक मुसीबत पैदा कर रहा है क्योंकि एक लंबी सरहद चीन के साथ लगती है। अब बात करते हैं श्रीलंका की, विक्रमासिंघे की सरकार चीनी समर्थक है। चीन के जासूसी शिप हमारी समुद्री सीमा की मैपिंग करते हैं और उसके बाद वो चीन को दे दिए जाते हैं। आप सोचिए किस मंसूबे के साथ चीन एक एक कर भारत के पड़ोसी देशों को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। बात करते हैं नेपाल की, वैसे तो नेपाल को दुनिया का इकलौता पूर्ण रूपेण हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन वहां केपी शर्मा ओली की जो सरकार है वो चीन परस कम्युनिस्ट सरकार बन गई है। चीन के साथ कई भारत विरोधी करार किए गए हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा करार है वो दरअसल नेपाल से जो नदियां भारत की तरफ आती हैं उन पर बांध बनाने की, और जैसे ही वहां बांध बनेंगे भारत में नेपाल से आने वाली नदियों के पानी में काफी ज्यादा कमी आएगी, और शायद चीन नेपाल का इस्तेमाल भारत को प्यासा रखने के लिए करने की साजिश के साथ कर रहा है। बात करते हैं म्यांमार की, 4 साल से सैन्य सरकार है और चीन की समर्थक सरकार है, पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय अलगाववादी संगठनों को समर्थन देती है। रोहिंग्या समस्या भी इस सरकार के सामने एक बड़ी समस्या है, और इससे आप समझिए कि भारत जो मित्र की भूमिका में रहा उस बंधु के साथ कैसे जुड़े हुए हिंदू हर जगह खतरे में हैं, और अब स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि भारत के जितने पड़ोसी हैं वो सारे के सारे एक तरीके से घोषित और अघोषित चाइना के कंट्रोल में है। तो क्या वाकई में भारत के अंदर भी एक अलार्म बज रहा है जिसको कोई सुन नहीं रहा है? हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, चीन जिस जिस देश के साथ जुड़ा उस देश के अंदर मनहूसियत छा गई, तो बर्बादी की कगार पर पहुंच गया, यह भी आपको बताएंगे। ये चीखें हम आपको बार बार इसलिए सुना रहे हैं ताकि आपको एहसास हो कि आपके पड़ोस में चल क्या रहा है, आपके पड़ोस में आपका भाई आपकी बहन के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो हिंदू हैं, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं चुना था, उन्होंने बांग्लादेश को भी नहीं चुना था, लेकिन अफसोस जो उनके ऊपर थोपा गया वहां उनसे सब कुछ छीन लिया जा रहा है, और हालात ये कि अब तो उनसे सांसें भी छीन ली जा रही। लेकिन क्या वाकई में
इस सबके पीछे चाइना काम कर रहा है। एक आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि कैसे चाइना हमारे पड़ोसी देशों के साथ मिलता रहा और उनके अंदर मनुष्यता छाती रही। जरा देखिए कैसे ड्रैगन की आग में एक एक करके हमारे पड़ोसी देश जलते हुए नजर आए। 2021 में म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हो गया, 2022 में श्रीलंका में राष्ट्रपति तड़ी पार हो गया, 2023 में पाकिस्तान के अंदर गदर हो गया और 2024 में बांग्लादेश का तख्ता पलट हो गया। और मनुष्य जो ड्रैगन है उसने किसी साल भी किसी पड़ोसी को नहीं छोड़ा। और ये जो हम कह रहे हैं ना कि वहां तख्ता पलट हो गया, वहां राजशाही खत्म हो गई, राष्ट्रपति तड़ी पार हो गया, वहां गदर हो गया, वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को भागना पड़ गया, दरअसल इसके पीछे चीन की वो साजिश जो उन देशों को कंट्रोल करना चाहती है। तो जरा शुरुआत करते हैं किस तरीके से चाइना और बांग्लादेश ये दोनों नजदीक भी आए और उसके बाद बांग्लादेश बर्बाद होता चला गया। इसको जरा समझिए क्योंकि शी जिनपिंग के दौरे से इसकी शुरुआत हुई थी। साल था 2016 जब जिनपिंग के बांग्लादेश के दौरे के दौरान चीन और बांग्लादेश के बीच रिश्ते रणनीतिक साझेदारी में बदल गए थे। दोनों देशों के बीच 27 अलग अलग तरह के समझौते हुए थे। चीन ने BRI के तहत तकरीबन $38 अरब का निवेश किया था। चीन ने बांग्लादेश को टनल और ब्रिज बनाने के लिए लोन दिया, बंगबंधु टनल और पद्म ब्रिज रेल लिंक जैसी परियोजनाओं के लिए कर्ज दिया गया। बंगबंधु टनल प्रोजेक्ट की कुल लागत $1.1 बिलियन थी जिसमें आधी लागत को 20 साल के लिए 2% ब्याज पर दिया गया। 169 किलोमीटर के पद्म ब्रिज रेल लिंक जो कि ढाका को जोशेर से जोड़ता है उसकी पूरी लागत का 85% फाइनेंस जिस बैंक से किया गया वो चाइनीज। और फिलहाल लोन 2% ब्याज पर है लेकिन इसका 20% ब्याज कम हो जाएगा। इसको कोई समझ नहीं पा रहा लेकिन शायद बांग्लादेश समझ रहा था और इसलिए वो चीन के सामने सरेंडर कर। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। श्रीलंका को जरा समझिए क्योंकि श्रीलंका में भी चीन की जो कर्जे की शतरंज बिछी उसमें पूरा श्रीलंका समा गया। श्रीलंका में भी चीन के ऋण की शतरंज बिछी और यह देश भी बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। श्रीलंका ने चीन से बड़ा लोन लिया और फिर इनसे जो परियोजनाएं शुरू की वो सफेद हाथी साबित हुई। दक्षिणी हम्बनटोटा में बंदरगाह पर परिचालन शुरू होने के बाद ही पैसों की बर्बादी होने लगी। 6 सालों में $300 मिलियन का नुकसान हुआ। यहां एक बड़ा कॉन्फ्रेंस सेंटर खोला जो किसी काम का नहीं। $200 मिलियन की लागत से हवाई अड्डा तैयार किया गया उससे भी फायदा नहीं हुआ। हालात ये हुए कि राजपक्षे परिवार 2 दशकों से श्रीलंका की राजनीति में जो प्रभाव बनाए हुए था उसको सबसे बड़ी कर कटौती करनी पड़ी और वहां की स्थिति बिगड़ गई, महंगाई दर बढ़ गई और हालात ये हुए कि राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा और यह भी चीन के कर्जे की वजह से। अब म्यांमार को समझिए। 2021 में म्यांमार की चुनी हुई सरकार की सेना ने तख्ता पलट कर दिया और उसके बाद से म्यांमार सेना का कोहराम मचा हुआ है। चीन लगातार म्यांमार के इंसर्जेंट ग्रुप को मदद कर रहा है। 2019 में भारतीय सेना और म्यांमार की सेना ने मिजोरम में मिलकर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन सनराइज, जिसमें बड़ी तादाद में उत्तर पूर्व के इंसर्जेंट ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। लेकिन जो सेना वहां इस वक्त सत्ता में है वो चीन के इशारों पर चल रही है और जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल हुआ वैसा ही म्यांमार का जल्द होने वाला है और बांग्लादेश का इस वक्त हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश ने नजरअंदाज की चीन की साजिश। चीन अपनी कर्ज नीति से हर जरूरतमंद देश को अपने कब्जे में लेना चाहता है। चीन ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था लेकिन शायद बांग्लादेशी भूल गए। 1972 में चीन ने खुद बांग्लादेश के यूएन में सदस्य पर वीटो लगाई लेकिन शायद बांग्लादेश भूल गया। 1975 में द्विपक्षीय रिश्ते स्थापित करने से पहले चीन ने अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान को आश्वस्त किया, उसके झांसे में बांग्लादेश कैसे फंस गया क्योंकि शायद शेख हसीना को वहां से हटाना था और इस चक्कर में पूरा का पूरा बांग्लादेश अब समा गया है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह कि भारत ने चीन से कोई कर्जा नहीं लिया है और शायद इसीलिए चीन भारत को कैसे तोड़े इसके लिए उसने सारे पड़ोसी को अपने साथ ले लिया, उनको कर्जे के बोझ में दबा दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे बंधु हैं जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उन पर यात्राएं की जा रही हैं,
और इसको लेकर एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनको बख्शा नहीं जाएगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले करेंगे, लेकिन रोका कैसे जाएगा ये सवाल बड़ा है। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू भाई जो बांग्लादेश में है अगर वो हिंदुस्तान में आएंगे तो क्या ये भी एक अलार्म है जिसको भारत को सुनना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।